आप एकदम ऑनेस्टी से, डेडिकेशन से, और एक अपना ड्रीम जरूर रखें, जो माइंडसेट है उसको रखना बहुत ज़रूरी है, उसको रख रहे हैं और आप चलते जाइए, आपके राह में बहुत सारे आएंगे, क्योंकि जर्नी तो रोलर कॉस्टर की तरह होता है, वो तो चलेगा, लेकिन आप उसको ज़रा भी आप उससे परेशान मत होइए। कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी परेशानी आ रही है, सब कुछ को झेल करके हम लोग लेकिन मार्केट में हैं। मेरा नाम पूनम सहाय है। ट्वेंटी फोर आवर्स मेरे लिए बहुत कम है। जब मैं काम में लगी तो एक लगन सा रहता है ना, तो वो मुझे स्ट्रेंथ देता है, मुझे उसकी परवाह नहीं होती है कि मैं सोई या नहीं सोई। सेटिस्फाइड हूँ मैं कि मैं किसी के लिए कुछ करती हूँ, और स्पेशली मैं नेशन के लिए कर रही हूँ। हमारे पास शुरुआत में 15 लोग थे, फिर 20 हुए, फिर 25 हुए, फिर 30 हुए, जस्ट लाइक दिस। तो उनके घर में चूल्हा जलता है, उनका पूरा का पूरा फैमिली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। किसी की तकलीफ़ है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं उसमें परवाह नहीं करती कि मेरे पास वो चीज़ रहेगा बाद में, नहीं रहेगा, मैं उठा के उनको ज़रूर दे देती हूँ। मैं दुखी नहीं देख सकती किसी को। मैं मुंगेर में, मेरा बर्थ हुआ मुंगेर, मतलब ये बिहार में आता है, पटना के करीब है, वो हिस्टोरिकल प्लेस है, सभी लोग जानते होंगे उसको, मुंगेर को। और वहाँ पे अगर बहुत अच्छे से शॉर्ट में बोला जाए, योग विद्यालय है जो फर्स्ट है इंडिया का यूनिवर्सिटी में, वो सत्यानंद सरस्वती का। प्राथमिक शिक्षा तो कोई ऐसा स्कूल था, सरस्वती महिला विद्यापीठ, जस्ट हिंदी मीडियम। देन सेकंड हम जब आए उसमें, आई थिंक 6 or 7 में, याद तो नहीं है ठीक से, लेकिन उसमें हमने बैद्यनाथ गढ़ हाई स्कूल, जो वहाँ का बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट स्कूल था, उसमें मैंने किया। लेकिन थ्रू आउट अपने क्लास में सेक्शन, मेरे ख्याल 7-8 सेक्शन, लेकिन मैं उसमें हमेशा फर्स्ट आती थी। आई डोंट नो कैसे आते थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन टीचर लोग बहुत अप्रिसिएट करते थे कि तुम अच्छे से अगर करती हो पढ़ाई तो बहुत अच्छा करोगी। तो थोड़ा थोड़ा अंदर से वो आने लगा मुझे उसी वक्त कि मैं कुछ कर सकती हूँ अगर थोड़ा हट के, तो एक ड्रीम जो बोलेंगे वो ड्रीम मेरे पास आ गया उसी वक्त कि अलग हटकर। ऐसा नहीं कि मैंने बीए किया, बीएससी किया, ग्रेजुएशन किया, एमए किया और देन शादी हो गई, तो मैंने सोचा नहीं, मुझे कुछ अलग करना है। जो मेरे फादर के डेथ के बाद एक मैंने ओथ लिया कि मुझे अपनी फैमिली के लिए मतलब बहुत अच्छा करना है। हमारे फादर का नाम श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, जो अब नहीं रहे, और हमारी मदर जो हैं वो श्रीमती सावित्री सिन्हा, वो भी उनका 2006 में उनका देहांत हो गया। ऑक्यूपेशन हम लोगों का कल्टीवेशन था, लैंडलॉर्ड जिसको बोलते हैं, जमींदारी, मतलब हम लोग के गंगा के उस पार हमारा पूरा गांव है, कंप्लीट गांव विलेज। ये कल्टीवेशन एक मेन ऑक्यूपेशन है। सेकंड उन लोगों का था कि सब जगह इन्वेस्ट करना लैंड में, सब जगह उन लोगों ने परचेज करके घर को और रेंट आउट करना, ये उनका था। मेरी मदर हाईली क्वालिफाइड थी, मींस उस जमाने में साहित्य रत्न, विशारद सब उन्होंने किया हुआ था, और संगीत में बहुत रुचि थी उनकी। तो एट होम जो है प्राइवेटली वो लर्न करती थी संगीत को, आते थे हमारे टीचर उनको सिखाते थे, और वो मतलब भजन गाना ये सब, जो संगीत का पूरा उनको नॉलेज था। फिर वो घर को बनाने में, ज्वाइंट फैमिली हमारा रहा, हम लोग सब एक साथ रहते थे, कल्टीवेशन भी हम लोग का एक साथ था, कुछ भी बटा हुआ नहीं था हम लोगों का। पेरेंट्स से संस्कार यही मिला कि एक तो हमारे पिता जो हैं वो संगीत और भक्ति दोनों के बहुत पुजारी थे। संगीत उनका बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंदीदा एक चीज़ था, बोलते थे संगीत अगर नहीं है तो भक्ति नहीं आ सकती है। और वो पूजा पाठ जो करना, धर सारे पंडितों को हेल्प करना, जो भी आए उनसे कुछ करने के लिए, मांगने के लिए, आज मेरी लड़की का शादी है, वो है, तो वो सबको मतलब एक तरह से मेरे पास हो चाहे नहीं हो, कैसे भी अरेंजमेंट करके, लेकिन उनको खाली हाथ नहीं भेजना है। मदर से यही संस्कार मिला, कैसा भी परिस्थिति है
आप उससे लड़ करके कैसे उबर सकते हैं, कैसे इनके, बिकॉज मेरी मदर 35 इयर्स में विडो हो चुके थे और इनके तब तक जो है सो 8 बच्चे थे, तो सभी छोटे छोटे भाई बहन कैसे उन्होंने किया, सिर्फ इसलिए कि हम लोग ज्वाइंट फैमिली थे, सब एक दूसरे को हेल्प करते थे। फादर का हार्ट अटैक हो गया था तब मैं उस समय 7 साल की थी, मतलब 1966 में उनका डेथ हो गया। तो एक बहुत बड़ा मुझे इस उनसे सबक मिला मेरी मदर से, संगीत तो था ही कि एक परम वो है कि आप अगर संगीत है तो वो पेशेंस देता है। बगैर मेरा अपना ये कहना है कि किसी चीज़ को अगर अपनाते हैं आप तो उससे एक अच्छी सीख मिलती है। तो उनका ख्याल कि किसी भी कितने भी हर्डल आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, तुम उसको निकाल सकती हो। तो मैंने उसको सीखा और कभी भी घबराई नहीं मैं, कितनी भी मुसीबत आई मैं उसको यही सोचती रही। विल पावर बहुत मेरा था और मेरी मदर का भी, मैंने उनसे यही सीखा। हम लोग 6 सिस्टर हैं, मतलब मुझे लेकर के 5 सिस्टर और हैं और 2 ब्रदर हैं, तो मैं उसमें आती हूँ कि मेरा 6 नंबर है। 1979 में मेरी शादी भी, अनिल साहे जी का 21 में शादी हुआ है और मैं उनसे 1.5 साल की छोटी, तो मतलब ग्रेजुएशन जो है सो अर्ली एज में हमारी शादी हुई, क्योंकि 6 बहन थे तो जैसे जैसे लड़का मिला मम्मी बोली ठीक है उनकी शादी हो जानी चाहिए। मेन टाइम अच्छे लड़के मिल भी गए, फैमिली भी बहुत अच्छी मिलती थी, सभी बहनें एकदम वेल एजुकेटेड फैमिली में गई हैं, सब काफ़ी अच्छा हुआ उनका। तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है बड़ी और एक लड़का है मेरा छोटा। बेटी का नाम उर्वशी साहा है और बेटा का नाम आशीष रंजन साहा है। 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनका, एक का नाम है अनन्या अम्बस्टा और एक का नाम है अक्षिता अम्बस्टा, लेकिन मैं प्यार से उसको बड़ी वाली को स्वरा बोलती हूँ और छोटी वाली को सुबह। दोनों बहुत ही अच्छी और सेंसिबल गर्ल हैं, वो लोग बहुत ब्रिलियंट हैं। मैंने शादी अपनी बेटी का अरेंज मैरिज किया है, तो अपने ही जो कम्युनिटी होती है और बिहार बेस्ड, एक हमारा था कि हमको वहीं से लड़का लेके आना है, तो उनके मदर फादर जो थे वो डॉक्टर अम्बस्टा, उन डॉक्टर हैं और वो जमालपुर में थे तभी वो सुपरिटेंडेंट, उन्हीं के लड़के से गौरव कुमार मेरे जो सन इन लॉ हैं, उन्होंने IIT खड़गपुर से किया हुआ है। मेरी कंपनी का नाम मारू टेक्नो टूल प्राइवेट लिमिटेड है और मैन्युफैक्चरिंग डाई सीट कंपोनेंट है हमारा, शीट मेटल, जो सभी शीट मेटल इंडस्ट्री को हम लोग कैटरिंग करते हैं। और ऑलमोस्ट हमको लगता है कि जितने भी 4 व्हीलर हैं जो कंपनी है सभी को हम लोग सप्लाई करते हैं, एंड दे नो वेरी वेल कि मारुत कहाँ पे है, और दे रिकॉग्नाइज वेरी वेल कि मारुत टेक्नो टूल क्या है। तो बिकॉज द प्रोडक्ट एंड क्वालिटी एंड दिस डिलीवरी, हम लोग उसको अच्छी तरह मेंटेन करते हैं। सम टाइम कभी ऐसा हो सकता है बिकॉज BIS क्वालिटी हमारा है ऑलरेडी, तो छोटे मोटे एरर हो सकती है, लेकिन हम लोग एक बहुत अच्छा रेपुटेशन है कंपनी का, मारुत को एक शेप देने के लिए, बिगर और ग्रेटर बनाने के लिए। अभी तो जर्नी हम लोग मतलब समझेंगे कि वो मैन्युफैक्चरिंग 2012 में शुरू हुआ, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2005 में। ये जो प्रोडक्ट जिसका हम लोग काम कर रहे हैं ट्रेडिंग, वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट है, तो उनके कॉस्ट उनके डिलीवरी को देखते हुए फिर हम लोगों ने प्लान किया कि इसको हम लोग क्यों नहीं यहाँ इंडिया में बनाए, जो इम्पोर्ट को डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्टलियर था वो हमारे, टाइम टेकिंग था। तो हम लोगों ने फिर इसको प्लान करके और जा करके हम लोगों ने उनसे जो डेट इन प्रोग्रेस USA है उनसे टाई अप किया, रिक्वेस्ट की और फिर मुझे टेक्निकल ज्वाइंट वेंचर उनसे मिला। तो ये हमने 2011 में हमको मिला और हमने 12 में अपनी बिल्डिंग को लेकर के प्लांट को बनाया, बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा है, लेकिन प्लांट बनाया, उसमें जितने हाईली इक्विप्ड है वो और सभी जितने भी मशीन्स हैं सब आपके बाहर से आए हुए हैं, यहाँ के नहीं हैं, और टेक्नोलॉजी तो है ही है वर्ल्ड अराउंड दैट, वो तो इसकी वजह से हम लोग धीरे धीरे उसको, लेकिन जो बोलेंगे कि हम लोग बहुत फास्ट किसी चीज़ को कर रहे हैं ऐसा नहीं, ग्रेजुअली हम लोग इंक्रीज़ हो रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन है, देर इज़ नो एनी मनी कि ऐसा कुछ हमारे पास है जो हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आता गया वैसे वैसे हम लोग काम किए।
एक पर्सनल टच है, एक क्वालिटी है, एक पे डिलीवरी है, एंड देन एवरीथिंग इज़ इन इंडियन मेक कंपनी है, तो उसमें लोगों का काफ़ी हेल्प भी मिला है, फेवर भी मिला है। तो टारगेट हम लोग का फिक्स हो जाता है अप्रैल मंथ में कि हम लोग अभी अगर 5 हुआ है तो नेक्स्ट ईयर हम लोग उसको टच करें 8-9, लेकिन 8 और 9 के लिए जाने के लिए वो हम लोग जानते हैं कि क्या कुछ करना पड़ता है, उसमें क्या क्या चीज़ और हमको डालना है जो से वो एनहेंसमेंट हो, उसका एक्सप्लोर हो वो। तो ये थोड़ा मतलब जर्नी चल रहा है, मगर हम लोग अपनी जगह पे बिल्कुल अडिग हैं, कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी परेशानी आ रही है, सब कुछ को झेल करके हम लोग लेकिन मार्केट में हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, रिकॉग्निशन है, द फेवर है, द सपोर्ट, एवरीथिंग वी हैव, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा मानती हूँ और शुक्रगुजार हूँ मैं। सभी एम्प्लॉयज़ बहुत ही लॉयल हैं, थैंकफुली, थैंक टू गॉड कि बहुत वो लोग हैं, और एज मच एज पॉसिबल उसमें कुछ नॉन स्किल भी हैं और सम जो हैं जो वर्कर लेवल की बात कर रहे हैं, बाकी जितने भी इंजीनियर हैं जो अकाउंट्स देखते हैं, जो एडमिन देखते हैं हमारे नीचे, सब बहुत ही मतलब हार्ड लेबर, यू कैन से दैट, कि कुछ भी मैंने बोला, कुछ भी किया, दे ओबे बाय हर्ट, दे डू बाय हर्ट, वो मतलब बिल्कुल उसमें कहीं से भी कुछ नहीं है कि ये मुझे आज नहीं करना है, कल करना है, ऐसा नहीं। तो इसलिए हमारी कंपनी में, और मैं उसको ये चाहती हूँ कि जितने लोग अपॉइंट करती हूँ मैं, वो सस्टेन करें इन द लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए, ऐसे नहीं कि वो हर 2 साल में 1 साल में चेंज हो, सो आई डोंट लाइक दैट थिंग्स। तो उनको जो भी उनको सस्टेन के लिए हमको करना होता है मैं करती हूँ। इनर व्हील से भी जुड़े हुए हैं, रोटरी से भी जुड़े हुए हैं, कि बिकॉज रोटरी में तो विदाउट वाइप वो कुछ होता ही नहीं है प्रोग्राम, मतलब मुझे कोई भी ऐसा प्रोग्राम और इनविटेशन आता है तो जाना ही है, वो तो थोड़ा सा कट शॉर्ट कर दिया मैंने अपने काम को या फैक्ट्री से पहले निकल गई, लेकिन जाना है। तो उनकी सारी एक्टिविटी है वो उसको बहुत अच्छी तरह मैं इंटरेस्ट लेके करती हूँ, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, जबकि अभी इन लोगों का सुनते हैं कि जैसे ऑर्फन वाले में चले गए, कहीं पे ओल्ड एज में चले गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी उसमें प्रेजेंट होके जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करना चाहिए। देखिए पेशेंस मेरा एक बहुत बड़ा चीज़ है, और मेरा पूजा जो बोलते हैं भक्ति, ऐसा नहीं कि मैं हर वक्त मंदिर में रहती हूँ या हर वक्त अपने घर में पूजा, ऐसा नहीं, वो मन के अंदर चलता रहता है हर वक्त, वो मुझे हमेशा ही एक राह का मेरा जो गोल है वो फिक्स किया हुआ है, ये पूरा करना है, वो चलता रहता है और मैं उसी से स्ट्रेंथ लेती हूँ, उसी से चलता रहता है, हम कभी भी रुकावट नहीं आया कभी भी। बहुत ज़्यादा परेशानी मैं झेली हूँ कि मतलब फैमिली को कैसे इस्टेब्लिश करना है, शायद मैंने 2 साल तो बिल्कुल ही भूल गई थी कि मुझे पिक्चर जाना है, मार्केट जाना है, या अपने मायके भी जाना है, मैंने कभी नहीं, मैं गई ही नहीं, किसी की शादी भी अटेंड नहीं की मैं, क्योंकि उसमें पैसा लगता है। देखिए सपोर्ट तो मेरे जीवन में पहले तो हमारे ब्लेसिंग के तौर पे मेरे मदर फादर रहे, फादर तो बहुत छोटे थे, उसका तो मुझे ख्याल नहीं है क्योंकि 7 ईयर की बच्ची को तो पता नहीं चलता है, लेकिन दिल से वो चाहते थे कि ये कुछ करे, कुछ उन्होंने फोरकास्ट किया हुआ था कि ये लड़की कुछ करेगी, मेरी मदर को हमेशा कंसोल करते थे कि ये जो पूनम है वो कुछ करेगी, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। तो एक फोरकास्ट था, उसमें विश्वास मुझे भी जन्म लिया कि हम शायद कुछ करके दिखा सकते हैं, तो मैंने फिर वही था कि करती गई, लगी गई, काम चलता रहा, बीच में बच्चे आ हुए, घर चला, हस्बैंड हैं, इन लॉज भी हैं, और फैमिली के सबसे बड़े थे इन लॉज के साइड में, उनको भी देखना था। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई से दिस रिप्लाई, कि हम उसको क्या, वो कोई मेजरमेंट तो है नहीं जो मैं आपको बोल दूँ कि मैं तराजू पे तौल देती हूँ और ये इतना केजी का है वो, ऐसा तो मैं बोल नहीं सकती। मगर धर्म वो होता है कि आप किसी के दुख को समझते हैं, किसी की तकलीफ़ है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं उसमें परवाह नहीं करती कि मेरे पास वो चीज़ रहेगा बाद में, नहीं रहेगा, मैं उठा के उनको ज़रूर दे देती हूँ, कि एटलीस्ट दैट प्रेजेंट वो कम से कम सेटिस्फाइड हो जाता है। तो ये मेरे में है, मैं दुखी नहीं देख सकती किसी को।
सक्सेस मंत्र तो यही है कि आप एकदम ऑनेस्टी से, डेडिकेशन से और एक अपना ड्रीम जरूर रखें। जो माइंडसेट है उसको रखना बहुत ज़रूरी है, उसको रख रहे हैं और आप चलते जाइए, आपके राह में बहुत सारे आएंगे, क्योंकि जर्नी तो रोलर कॉस्टर की तरह होता है, वो तो चलेगा, लेकिन आप उसको ज़रा भी आप उससे परेशान मत होइए। फ्यूचर विज़न यही है कि हम अपने इस मारु टेक्नो को एक लंबी काफ़ी दूर लेकर के, एक बिगर शेप देख करके, ग्रेटर बना के और फुली पूरे लोग उसको आइडेंटिफाई करें कि वो ये है, और इतने एम्प्लॉयज़ अभी 50 हैं तो मैं उसको 200 पे लेके जाऊं उसको आगे, और नेशन को कंट्रीब्यूट करूं कि एक मेरा भी पोर्शन है जो नेशन के लिए है, और कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट आल्सो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो हमारे गवर्नमेंट ने लिया है, वो हमारा है एम कि हम इम्पोर्ट को हटा करके अपने पूरे डोमेस्टिक जो हमारा है। घूमने फिरने का तो मुझे अगर ज़रा सा भी मौका मिलता है, इवन दो 8 बजे रात को भी मैं आती हूँ, तो अगर मिस्टर साहब को गाड़ी चलाना हुआ तो मैं कम से कम किसी रेस्टोरेंट में चली जाती हूँ जहाँ बज रहा है गाना और ये वो, तो वहाँ खाना वाना लेके सब कुछ करके वापस एक लॉन्ग ड्राइव लेके चली आई। धर्मस्थल तो हमेशा पसंद करते हैं, लेकिन एक कंट्री है, बहुत जगह कंट्री मैंने मिस्टर साहे के साथ घूमी हूँ, लेकिन मुझे जापान सबसे ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, और सच पूछिए तो मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ से लेके आई कि क्या कैसे मेंटेन करना है हर चीज़ को, बहुत अच्छा लगा। मूवी देखने का शौक़ है, लेकिन अभी टाइम की नहीं रहने की वजह से मूवी नहीं देखती हूँ, लेकिन पहले राजेश खन्ना और शशि कपूर, ये दो चलता था हमारा पसंदीदा। मुन्ना भाई MBBS आई लाइक, बहुत इजी है, बहुत मतलब लाइट है, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम बैठे हुए ऐसा फैमिली के साथ, अच्छा लग रहा है। लेकिन वो फिल्मी गाने आज वाले नहीं चलते हैं हमारे पास, वो है कि पहले के समय का जिसमें मीनिंग फुल वर्डिंग रहता था, लिरिक उनकी अच्छी, म्यूजिक अच्छी, आई लाइक। मेरी हॉबीज़ देखिए, मुझे लिखना भी पसंद है, कभी कभार मैं कविता लिखती हूँ, कभी जो है सो गाने भी हमारे संगीत के जो ऊपर हैं उसको भी मैं लिखती हूँ। गाना सबसे ज़्यादा मेरा बहुत पसंदीदा चीज़ है कि मुझे क्लासिकल शास्त्रीय संगीत, जो उनके म्यूज़िक हैं, जो उनके एकम्पनी जो रहते हैं, जो भी वो सब सुनना देखना एक साथ मिला, वो बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं ऑफिस में वो मेरा काम चलता रहता है और वो धीमे पे यूट्यूब पे चलता रहता है। हमारे गुरु बोलते थे कि देखो ऐसा नहीं है कि हर वक्त तुम तानपुरा लेकर के रियाज करोगी, सरगम गाओगी, पॉसिबल नहीं हो, तुम मैरिड वुमेन हो। अगर
तुम चाइल्डहुड में की होती तो बहुत सारा तुम आज स्टेज पे बहुत ज़्यादा परफॉर्म करती, लेकिन जो जितना भी वक्त है तुम यूटिलाइज़ कर रही हो और बहुत टच में उसके बहुत करीब मैं हूँ। तो ये हमारे गुरु को मिला और बोलते हैं कि गाना तो सभी लोग गाते हैं लेकिन सुर की इनके पास है वो बहुत बड़ी बात है। स्वप्न जो बोलते हैं ड्रीम, वो ज़रूर देखें, अपनी जवाबदेही से ना वो हटें, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो ज़रूर वो भी करें, लेकिन ये एक उनका काम है कि वो कैसे कर सकते हैं, उनके पास क्या पोटेंशियल है, क्या नैक है, किस किस काम को वो बखूबी वो एक अंजाम दे सकती हैं। और सभी में एक कलाकार छिपा रहता है, हर आदमी में, चाहे वो फूड का कर रही हैं बिज़नेस, चाहे वो सिलाई की कर रही हैं, चाहे संगीत का कर रही हैं, या वो टेक्नोक्रेट हैं, जो भी हैं, आजकल तो सभी लोग IAS IPS भी सब काफ़ी अच्छे से फीमेल कर रही हैं, तो सब कुछ है, लेकिन वो उनको करना चाहिए, उनकी आइडेंटिटी, उनकी यूनिकनेस वो ज़रूर होना चाहिए। और मेहनत तो हर काम के लिए है, हर को करना पड़ेगा।